नृत्य क्या है, नृत्य के देवता कौन है और नृत्य की उत्पत्ति कैसे हुई, नृत्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के हैं और आधुनिक नृत्य के भारत में जनक कौन है, इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी। नमस्कार, मैं प्रीति शुक्ला और मेरे साथ आज आप जानेंगे नृत्य के बारे में। नृत्य भी जो है वो एक मानवीय अभिव्यक्ति का रसमय प्रदर्शन है। ये एक सार्वभौम कला है जिसका जन्म मानव जीवन के साथ ही हुआ है। बालक जन्म लेते ही रोकर अपने हाथ पैर मार के अपनी अभिव्यक्ति करता है कि वो भूखा है। इन्हीं आंगिक क्रियाओं से नृत्य की उत्पत्ति होती है। नृत्य के देवता कौन है? आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि नृत्य के देवता हम किन्हें मानते हैं। भगवान शिव को नृत्य का देवता कहा जाता है। उन्हें तांडव नृत्य का ज्ञान है और वे उसे पूर्णतया आदर्श पूर्ण रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। नृत्य एक ऐसी कला है जो भगवान शिव के अधिकांश स्वभाव और गुणों को दर्शाती है। नृत्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है? नृत्य का सीधा संबंध हमारे स्त्रैण शक्ति या स्त्री प्रकृति की शक्ति से होता है। स्त्रैण शक्ति इंसान के अंदर बसी कलात्मक और रचनात्मक शक्ति है। पुरुष शक्ति से अलग ये शक्ति हमें हमारी भावनाओं को शांत कर बहाव के साथ बहने की प्रेरणा देती है। नृत्य करते वक्त हमारा शरीर और हमारा मन एक साथ एक लय में होता है। नृत्य की उत्पत्ति कैसे हुई? कहा जाता है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में देवताओं की विनती पर ब्रह्मा जी ने नृत्य वेद को तैयार किया था, तभी से नृत्य की उत्पत्ति संसार में मानी जाती है। इस नृत्य वेद में सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद से कई चीजों को शामिल किया गया था। भारत में शास्त्रीय नृत्य की कितनी शैलियां हैं? भारत में शास्त्रीय नृत्य की मुख्य रूप से 8 शैलियां हैं। कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और मोहिनी अट्टम। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ भारत में आधुनिक नृत्य की अवधारणा लाने वाले पहले व्यक्ति थे। इनका जीवन काल 8 दिसंबर 1900 से 26 सितंबर 1977 तक रहा। ये तो थी नृत्य के विषय में एक संक्षिप्त सी जानकारी। क्या आप किसी नर्तक के विषय में जानना चाहते हैं? यदि हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस नर्तक या नर्तकी के बारे में जानना चाहते हैं। मैं उनके बारे में एक अगला एपिसोड आपके लिए लेकर आऊंगी अगर आप मुझे कमेंट में बताते हैं, वरना मैं अपने हिसाब से देखूंगी कि मैं आपके सामने किसे प्रस्तुत कर सकती हूँ। अगले एपिसोड में मैं अगला एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे यानी प्रीति शुक्ला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।